नमस्कार, मैं हूं शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। खड़गे अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़गे ने 7,897 वोट हासिल किए, जबकि शशि थरूर को 1,000 के आसपास ही वोट मिले। एजेंसी के मुताबिक 416 वोट खारिज हो गए। T20 वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 अक्टूबर 2022 को होने वाला अभ्यास मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। खबर तो यह भी है कि भारत पाकिस्तान के बीच 23 अक्टूबर को होने वाला मैच में बारिश बाधा डाल सकती है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बुधवार को बताया कि काठमांडू में 53 किलोमीटर पूर्व में आज दोपहर करीब 2:52 में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। यह झटका बिहार की राजधानी पटना सहित कई जिलों में महसूस किए गए। राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे के बाद राजकुमार आनंद को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार का नया कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर यूपी सरकार कॉरिडोर बनाने की योजना बना रही है। सरकार ने बताया कि तीर्थयात्रियों को सुविधा देने के लिए मथुरा में बांके बिहारी मंदिर से सटी 5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई जा रही है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस कानून से नए तरह के अपराध पैदा हो रहे हैं। शराबबंदी को उसकी वास्तविकता भावना से लागू नहीं किया गया है। अधिकारी शराब तस्करी को रोकने में लापरवाही बरत रहे हैं। ये सरकारी मशीनरी की विफलता का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा के पास दीसा में एक नए एयरबेस की आधारशिला भी रखी और कहा कि यह नया एयरबेस देश की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी केंद्र के रूप में उभरेगा। साथ ही गुजरात भारत में रक्षा का केंद्र बनेगा और भारत की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें कई हैरान करने वाले फेरबदल सामने आए हैं। पार्टी की ओर से जारी पहली सूची में विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर से विधायक और जयराम ठाकुर के सबसे वरिष्ठ मंत्री महेंद्र ठाकुर का नाम सूची से गायब है। धर्मपुर सीट से इस बार महेंद्र ठाकुर के बेटे रजत ठाकुर भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में होंगे। 2 साल बाद हुए पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन छात्र युवा संघर्ष समिति ने नया इतिहास लिखा है। सिर्फ 1 माह पहले बनी CYSS के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आयुष खटकर ने 2,712 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के हरीश गुर्जर को 660 मतों से हराया है। भारत और अमेरिका की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी शाहिद महमूद को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसे चीन ने रोक दिया है। भारत और अमेरिका महमूद को वैश्विक आतंकी के रूप में सूची में शामिल कराना चाहते थे, लेकिन चीन ने विश्व निकाय में किसी आतंकवादी को प्रतिबंधित सूची में डालने के प्रयास को 4 महीनों के अंदर 4थी बार रोका है। परीक्षा के प्रश्न पत्र में चीन, भारत, नेपाल और इंग्लैंड के साथ कश्मीर को भी अलग देश माना गया। इसमें दिखाया गया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। 2017 में भी बिहार में ऐसा ही मामला सामने आया था। विपक्ष भी अब राज्य सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। वहीं बिहार BJP अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस मामले में NIA जांच की मांग की है। कांग्रेस ने बिल्किस बानो केस में सभी 11 दोषियों की जेल से रिहाई के लिए BJP सरकार पर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि सभी दोषियों की रिहाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की स्वीकृति से हुई है और यह सब चुनाव के मद्देनजर किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से यह सवाल भी किया है कि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अगले महीने नवंबर में महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे और NCP प्रमुख शरद पवार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर उन्हें यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की थी कि जिसमें सरकार को तलाक, गोद लेने, संरक्षकता, उत्तराधिकारी, विरासत, रखरखाव, शादी की उम्र और गुजारा भत्ता के लिए समान कानून बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से समान नागरिक संहिता से जुड़ी याचिकाओं पर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। राजस्थान के उदयपुर के कालका माता रोड पर रहने वाली अंजुम आरा कहती हैं कि जितना पवित्र ग्रंथ कुरान है उतना ही रामायण, दोनों ही ग्रंथ एक जैसी सीख देता है। उनके घर में दोनों ही ग्रंथों को समान सम्मान है। अंजुम राजस्थान की पहली मुस्लिम महिला है जो संस्कृत विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रही है। हाल ही में अंजुम ने संस्कृत विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर की सूची में 21वां स्थान हासिल किया है।
कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी सीजीएल परीक्षा फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दिया है। आयोग ने सीजीएल परीक्षा फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन के लिए लिंक आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर लिंक एक्टिव कर दिया है। अब ऐसे में जिन उम्मीदवारों को लगता है कि उनके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गड़बड़ी रह गई है या फिर कोई जानकारी अधूरी छूट गई है तो वे सुधार कर सकते हैं। पिछले वर्ष करोड़ों रुपए के विज्ञापन चले थे जिसमें किसी ऐसे रासायनिक घोल की चर्चा थी जिसके डालते ही धान के अवशेष यानी पराली गायब हो जाती है और उसे जलाना नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही मौसम का मिजाज ठंडा हुआ, दिल्ली एनसीआर को स्मॉग यानी धुंध ने ढक लिया है। इस बार भी सितंबर विदा हुआ और अक्टूबर आया कि हरियाणा पंजाब से पराली जलाने के समाचार आने लगे हैं। इंदौर की टीवी एक्ट्रेस और मॉडल वैशाली छक्कर आत्महत्या मामले में दोनों मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। राज्य के गृह विभाग की ओर से इस मामले में दोनों आरोपितों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। अगर आप एक इनडायरेक्ट नेटफ्लिक्स यूजर हैं, यानी अपने परिवार में किसी इंसान या दोस्त के अकाउंट पर नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो बता दें कि नेटफ्लिक्स एक नया फीचर जारी करने जा रहा है जिसे पासवर्ड शेयरिंग एक पेड फीचर हो जाएगा। यानी अगर आप अपने अकाउंट का पासवर्ड अपने किसी परिचित के साथ शेयर करते हैं तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। वरुण धवन ने हाल ही में मनोरंजन जगत में अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं और इसी खुशी में वो अपने फैंस के लिए लेकर आए हैं अपनी नई फिल्म का ट्रेलर। जी हां, वरुण धवन ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म भेड़िया का ट्रेलर लॉन्च किया है जिसमें उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। वरुण का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में पार्टी को दशकों बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिलने वाला है। इसी बीच पार्टी में राहुल गांधी की भूमिका को लेकर चर्चाओं का दौर जारी। हालांकि राहुल ने खुद ही साफ कर दिया है कि पार्टी प्रमुख ही उनके काम का फैसला करेंगे। भारत आए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की सीख दी है। उन्होंने बुधवार को आईआईटी बॉम्बे के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने यहाँ मानवाधिकारों की रक्षा करके ही दुनिया में स्वीकारता और विश्वसनीयता हासिल की जा सकती है। गुजरात के अडालज के त्रिमंदिर में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करने पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि आज गुजरात में 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स की अटेंडेंस होती है। उन्होंने कहा कि गुजरात के 20,000 स्कूल शिक्षक के 5G दौर में प्रवेश करने जा रहा है। इस दौरान पीएम ने 5G के बारे में कहा कि अगर मुझे इस टेक्नोलॉजी को गाँव की भाषा में समझाना हो तो मैं कहूँगा कि 4G साइकिल है तो 5G हवाई जहाज है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने बुधवार को बीसीसीआई सचिव जय शाह की उस टिप्पणी पर निराशा व्यक्त किया है जिसमें उन्होंने तटस्थ स्थान पर एशिया कप 2023 खेलने को कहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि इस तरह के बयानों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समुदाय को विभाजित करने की क्षमता है और 2023 विश्व कप के लिए पाकिस्तान की भारत यात्रा को प्रभावित कर सकता है। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस के स्पेशल टीम ने बुधवार को मूसेवाला हत्या मामले में भगोड़े अपराधी संदीप उर्फ टीनू को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस का एक हाइब्रिड वायरस बनाया है जो कोविड-19 का कारण बनता है। उनके प्रयोगों ने एक नए विवाद को जन्म दिया है जो इस वक्त सुर्खियों में है। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि शोधकर्ताओं ने वायरस को अधिक घातक बना दिया है और विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इन दावों को झूठा और गलत बताया है। झारखंड राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ ने बैंक के शहीद चौक स्थित बैंक मुख्यालय में धरना दिया है। यह धरना मुख्यालय सहित राज्य भर के 105 शाखाओं में दिया गया है जहां कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यालय परिसर में गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया है। भागलपुर से दिल्ली के बीच एक और पूजा स्पेशल ट्रेन रेलवे चलाने जा रही है। जमालपुर होकर जाने वाली इस ट्रेन में तत्काल की सुविधा नहीं होगी। इस ट्रेन में बुकिंग शुरू हो गई है। खुटी की महिला किसान ओलिव बादू लखपति किसान के नाम से जानी जाती हैं। ISLPS की महिला समूह से जुड़ी ओलिव लाह के अलावा तसर और सब्जियों की खेती के सहारे लखपति बनी हैं। ओलिव अन्य ग्रामीण महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की गुर सिखा रही हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब मैं कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद नौशाद रजा, दीपक कुमार, मोहम्मद जमील अख्तर, मोहम्मद सुहैल, श्याम सुंदर यादव, राहुल, अवधेश कुमार और रितेश यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बन जाने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।